इसको ड्रॉप करने के लिए मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे और ये जा रही है कंसल्टेशन के लिए खपोली। तो आज इसका खपोली कंसल्टेशन है और यहाँ पे देखो क्या मस्त मौसम हो चुका है, बारिश आ रही है। जल्दी जल्दी फटाफट इसको स्टेशन ड्रॉप करता हूँ बारिश आने के पहले। तो मस्त मौसम हो रहा है, देखो पूरा रोड खाली है, जल्दी से निकले सुबह सुबह, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा फील हो रहा है। हाँ मस्त लग रहा है। हम लोग स्टेशन पहुंच गए और इसको मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ। सो मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ और मैंने रिटर्न टिकट निकाल लिया है, अभी मैं जा रही हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे। सो मेरी ट्रेन आ गई है, अब चलते हैं फटाफट खपोली। तो शुभदा को स्टेशन ड्रॉप करके जस्ट घर पे आया और यहाँ पे मम्मी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है और ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा हूँ मैं, सुरनली टक्का सुरनली, बहुत टेस्टी होता है। मम्मी चटनी भी बनाएगी क्योंकि मेरे को चटनी के साथ डोसा खाने का बहुत मजा आता है। ना गांव में ना सुरनली है ना बहुत फेमस है, होटल में मम्मी का मामा का होटल है, सुरनली बनता है, तो हम लोग है ना उधर जाके खाते थे, मस्त टेस्टी बनता था। और ये देखो मम्मी का मामा का नाम सुन के तो मम्मी स्माइल करने लगी। मम्मी का मामा का नाम है वासुदेव। तो वहाँ पे ना सब लोग है ना गाँव में ना जो लोकल है ना सब लोग बोलते हैं वासपक्का सुरनली बहुत टेस्टी है, चलो उसके होटल में जाके खाते है। तो मम्मी बोल रही थी कि है ना सुरनली है ना लोनी के साथ खाते है। अभी लोनी पता नहीं है कि नहीं क्योंकि कल मम्मी ने तूप बना दी, अभी लोनी नहीं है। तो मम्मी को बोला मैं अभी चटनी बना, तो चटनी बनाएगी अभी मम्मी। ये कैसे बनाते हैं मम्मी? चावल अच्छा धो के दही डाल के भिगोने का, फिर उसमें थोड़े मेथी डालने का, एक घंटे का बाद वो पीस के रखने का, पीसने का टाइम वो नारियल डालने का, बाद में लास्ट थोड़ा फोवा डाल के थोड़ा ग्राइंड कर देगा और उसका गुड़, बाद में थोड़ा गुड़ डाल, पीसने के बाद कितना देर तक रखना है? रात को पीस के रखने का और सुबह बनाने का। ओके, तो ये है इसका प्रिपरेशन, अभी आपको मालूम पड़ गया है सुरनली कैसे बनाते, अभी आप बनाओ और खाओ। तो यहाँ पे देखो सुरनली बन गया, ये देखिए मस्त, देखो फ्लफी फ्लफी हो गया है। तो यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी खाता हूँ और ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ। सुपर मस्त बनाया मम्मी, बस बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे मैं अभी बिग बॉस देख रहा हूँ, अभी बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, मेरा फेवरेट शो, और मैं और मम्मी दोनों साथ में बैठ के देखते हैं, एंजॉय करते हैं, ब्रेकफास्ट करता हूँ और ओटीटी देखता हूँ। आई गेस कर्जत आ गया है, देवपुरी रोड है इसके नेक्स्ट स्टेशन कर्जत। तो हम पहुंच गए खपोली फाइनली एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। मेरे पीछे मौसम देखो क्या मस्त है। तो यहाँ पे देखो मस्त बारिश हो रही है और देखिए क्या मस्त वेदर हो चुका है, पूरा ठंडा हो गया है। और अभी मम्मी लंच का प्रिपरेशन कर रही है और यहाँ पे मम्मी अभी अलसंदों का उपकरी बना रही है। बिग बॉस देख रहा हूँ सुबह से, जितना भी एपिसोड हुआ है सब देख रहा हूँ। अभी जस्ट मम्मी से बात करते करते हमको याद आया कि आज मामा का बर्थडे है, मामा गांव में है और अभी मामा को वीडियो कॉल करते हैं और विश करते हैं मामा को, और मम्मी अभी वीडियो कॉल कर रही है। लगता है मेरा मासी का फोन वाईफाई से कनेक्ट नहीं है लगता है, तो अभी मम्मी नॉर्मल कॉल कर रही है। लग गया लग गया। आज अम्मा का बर्थडे नो है, कहीं बोले दी मुल्की मुल्की। अच्छा मामा मुल्की गई है। हेलो हाँ वही मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे ऐसी या उत्कल दिवस हो। मामा हैप्पी बर्थडे मामा। अभी मामा है ना मुल्की देवस्थान में जा रही है मेरा मासी के साथ। सडनली मेरे को याद है मामा का बर्थडे है। तो यहाँ पे मम्मी लंच बना रही है, चपाती बना दी है, दाल और ये देखो आलसन दो करी। तो ये है गुज्जू, आवाड़ है गुज्जू,
यमी यमी लंच है आज। तो शाम हो गई है और अभी मम्मी यहाँ पे ये मक्का बॉईल कर रही है। अभी शुभदा का जस्ट फोन आया, उसको थोड़ा लेट होएगा रात को, उसका काम खत्म नहीं हुआ है। तो मैं जस्ट टेरेस में आया था, मस्त लग रहा है, वहाँ पे सनसेट होता है बट अभी बादल है करके अभी सनसेट दिख रहा नहीं है। क्या वेदर हो चुका है यहाँ पे। बचपन में मैं इधर क्रिकेट खेलता था, उसके बाद हमारा एक ग्राउंड है जो यहाँ पे भी मैं बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ, बहुत मजा आता था। स्कूल होने के बाद मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को बुलाने आते थे, बहुत मजा आता था खेलने के लिए। देखो देखो यहाँ पे सन निकला है बादल में से, तो यहाँ पे देखो मक्का बॉईल हो गया, अभी बॉईल मक्का खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अभी बटाटा सॉन्ग का प्रिपरेशन कर रही है, कांदा अच्छे से फ्राई किया है, बटाटा बॉईल करने के लिए रखा है और यहाँ पे मम्मी मिक्सर में पेस्ट बना रही है। मम्मी ने मसाला डाल दिया है, तो यहाँ पे देखो बॉईल हो गया है बटाटा, अभी इसको अच्छे से चॉप करेगी और उसके बाद मसाले में डालेगी। और यहाँ पे मसाला में डाल दिया है, मिक्स कर रही है, बटाटा सॉन्ग रेडी हो गया है, मस्त लग रहा है, यमी यमी। तो रात के बज गए हैं 9:05 और 9:09 की ट्रेन, मतलब सुबह निकली थी मैं और अभी 9 बज गए रात के, और मैं अभी जस्ट ट्रेन में बैठी हूँ और अभी जा रही हूँ घर। और ये ट्रेन जो है खोपोली से करजत तक ही है, तो करजत से मुझे चेंज करनी पड़ेगी और नेक्स्ट मुझे आएगा स्टेशन पर लेना। आई थिंक मैं स्टेशन 11:30 तक पहुँचूंगी रात को, 11:30 बजे गणेश आएगा लेने। 9 बजे का सब टाइम है ना, यहाँ पे बहुत खाली रहती है ट्रेन, पूरी खाली होगी कोई नहीं था, तो इसलिए मैं जेंट्स में चढ़ती हूँ क्योंकि लेडीज़ में तो कोई नहीं रहता है, तो थोड़ा अनसेफ लगता है, तो इसलिए मैं जेंट्स में रहती हूँ। पूरी ट्रेन खाली है, थोड़े बहुत है गिनने चुने 4-5 लोग, तो इसीलिए मैं गणेश मुझे हमेशा बोलते थे जेंट्स में जा रात को, बिकॉज लेडीज़ में कोई नहीं रहता है। और खोपोली से लेकर करजत का जो डिस्टेंस है ना, उसमें जो स्टेशन है वो बहुत सुनसान है, वहाँ मोस्टली कोई नहीं आता जाता, नहीं कम लोग ही उतरते हैं इस टाइम पे, तो बहुत सन्नाटा रहता है, इसलिए इट्स बेटर टू गो इन जेंट्स। ये देखिए पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है, तो मैं गर्जत स्टेशन हो गई और मैंने भाग भाग के ये ट्रेन पकड़ी, दूसरी ट्रेन अभी निकलेगी है, बहुत लेट हो गई थी तुम्हारी ट्रेन। तो अभी फाइनली मेरी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी गर्जत से और मैं पहुंचूंगी 11:30 बजे। तो अभी बजे हैं रात के 10:45 और मैं अभी शुभदा को लेने जा रहा हूँ स्टेशन, तो अभी वो पहुँचने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं भी पहुँच जाऊँगा स्टेशन। आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, पहले तो मेरे को पेट्रोल भरना है, तो अभी मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे और यहाँ देखो कितनी लाइन, अरे बाप रे, पे मैंने पेट्रोल डाल दिया है और यहाँ पे इतना जोर से बारिश आया था पूरा भीग गया हूँ। अभी चलता हूँ स्टेशन, बारिश भी है ना हाइड एंड सीक खेलता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। तो मैं अभी स्टेशन पहुँच गया हूँ, शुभदा का वेट कर रहा हूँ, उसको कॉल करके पूछता हूँ किधर है। तो यहाँ पे जोर से बारिश आ गया, अभी मेरा बाइक उधर खड़ा है, मेरा मोबाइल भी बाइक के अंदर ही है, यहाँ ही वेट कर रहा हूँ मैं अभी स्टेशन पे। तो यहाँ पे वापस बारिश चली गई है बिल्कुल नहीं है, अभी शुभदा को कॉल किया है, वो अभी जस्ट पहुँच रही है, अभी 10 मिनट में पहुँच जाएगी इधर। गाड़ी के पायदान और घाट को पर आ गया, वो स्टेशन पहुँच गई हूँ, 11:30 बज गए, गणेश आया है मुझे पिक करने के लिए, उसका कॉल आया था कि वो पहुँच गया है, वो उधर खड़ा है, देखो 15 मिनट पहले ही पहुंच गया था, काफी लेट हो गया इसलिए मैं नहीं चाहता था मैं अकेली आऊँ। और यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा ही नहीं है कि रात के 11:30 बजे है, अभी भी देखो सब अपने काम से घर पे जा रहे हैं। के लिए ये है मुंबई मेरी जान, भूख लगा है यार मेरे को बहुत, घर जाते खाना खाते हैं मस्त से दाल राइस और बटाटा सॉन्ग, वाह। वापस बारिश आ गई थी और हम लोग वापस पूरा गिल्ल हो गए, अभी थोड़ा स्लो हो गया है, अपन जाते हैं फटाफट। हम लोग घर पे आ गए हैं, क्या बारिश ने पूरा दिमाग खराब कर दिया सच्ची, व्हाट अ लॉन्ग डे इट वाज, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, खत्म हो गया दिन करने का और सो जाने का, ठीक है खाना खा ले चलो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल रात को हम लोग सो गए थे, बहुत थक गए थे, कल पूरा हेक्टिक शेड्यूल था, तो अभी जस्ट उठा हूं और यहां पे मैं अभी चाय बना रहा हूं और यहां पे दूध भी उबल रहा है, अभी इसको उठाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी रुलाव बना रहा हूँ, पानी गर्म करके रखा है, कढ़ाई रखा है इधर और ये रुलाव, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रुलाव रेडी हो रहा है, इसको फ्राई कर रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद ये पानी डाल दूंगा। हम लोग दोनों इसके मम्मी डैडी के घर पे आए थे, तो उसके मम्मी डैडी अयोध्या गए हैं, स्वामी जी का कैंप है ना, तो पानी डाल दिया था, अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा रुलाव। रुलाव रेडी हो चुका है, मैंने चाय भी ग्लास में डाल दिया है, इसको उठाता हूँ और ब्रेकफास्ट भी करते हैं हम लोग। तो जस्ट अभी मैं चाय पीते पीते फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को एक फोटो मिला, क्या देखो, तो ये देखो ये है सारा अंश 12 साल पहले, इतना चिंटू लग रहा है, इतना छोटा सा। और आज है डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे, थैंक यू, गुड मॉर्निंग गाइस। और मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं भी वापस स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक, तो मालूम पड़ा कि आज डॉक्टर्स डे है, फर्स्ट करते हैं रुलाम खाते हैं। हाँ भाई मेरे को भूख लगा, चल चल। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और गणेश ने बहुत अच्छा उपमा बनाया था, मैंने खा लिया और अभी मेरी टर्न है कुकिंग करने की, तो मैं बना रही हूँ मशरूम राइस। तो यहाँ पे मैंने मशरूम्स को चॉप
लॉक करके रख दिया है और यहाँ पे मैंने मसाला रेडी करने रखा है। जैसे ये मसाला रेडी हो जाएगा उसमें हम मशरूम और राइस डाल के राइस कुक कर लेंगे, सिटी निकाल लेंगे। पुलाव या बिरयानी आप जो भी बोलो, बिरयानी तो नहीं है, खैर हम कुकर में बनाते तो पुलाव ही, तो मशरूम का पुलाव बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, मजा आता है खाने में। मशरूम पुलाव बन रहा है एक साइड पे यहाँ पे देखो, और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने बटर डाल दिया है। उसमें जाएगा अभी लहसुन, ग्रीन चिलीज, और ये पूरा जब रोस्ट हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे मशरूम जो यहाँ पे मैंने चॉप करके रखा है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैं बना रही हूँ बटर गार्लिक मशरूम स्टर फ्राई किया हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे खाना। थोड़ा सा पेपर भी डालेंगे अपन, स्पाइसी, माइल्ड स्पाइसी और मस्त यू नो बटरी फ्लेवर के साथ मशरूम बटर डाल के, बटर गार्लिक मशरूम बहुत अच्छा बनता है, एकदम यमी लगता है और सूदिंग लगता है। तो हम आज खाएंगे, आप भी खाइए कभी बना के। गार्लिक पूरा मस्त ब्राउन हो गया है, तो अभी इसमें हम डाल देंगे मशरूम, सौते करेंगे। तो जैसे कि आपको गणेश और मैंने सुबह बताया कि आज है 1st of July और आज है डॉक्टर्स डे, तो आज डॉक्टर्स डे स्पेशल थोड़ा एक्सोटिक खाते हैं, एंजॉय करते हैं और डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टर फ्राइड मशरूम क्या बन रहा है, वाओ, एक बार आप बना के देखिए घर पे, बहुत अच्छा बनता है। इतना टेस्टी, बटरी, क्रीमी लगता है ना वो। अगर कुछ लोग इसमें क्रीम भी डालते हैं, अगर आपको क्रीम डालना है फ्रेश क्रीम तो वो भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही सिर्फ बटर के फ्लेवर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। गो फॉर इट, क्या कलर आया है उसको। तो यहाँ पे मेरा मशरूम पुलाव भी रेडी हो गया है, एकदम गर्मा गर्म मस्त स्टीमी राइस, मस्त मजा आने वाला है। अभी मैं घर पे आया था क्योंकि मेरे को ऑनलाइन क्लास था, तो यहाँ पे मम्मी ने मसूर का रंधे बनाया। ओहो, मसूर का रंधे, चलो अभी खाना खाते हैं। और यहाँ पे मैं कभी खाना खाने बैठा हूँ, मम्मी ने मेरे को प्लेट में डाल के दिया है क्योंकि मेरे को अभी ऑनलाइन क्लास है। यहाँ पे मैंने सब सेटअप रेडी करके रखा है, तो फटाफट खा लेता हूँ उसके बाद ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। यहाँ पे मम्मी देखिए क्या कर रही है, मंदिर को सब साफ कर रही है। मेरा डैडी का अभी रिचुअल्स आने वाला है ना श्राद्ध का, इसीलिए मम्मी अभी यहाँ पे सब मंदिर सब साफ कर रही है। तो मैं घर से निकल गया हूँ, धूप निकली हुई है, हवा चल रही है। तो मैं पहुंच गया हूँ और अभी चलता हूँ क्लास लेने के लिए। तो क्लास खत्म हो गया है, यहाँ पे बहुत जोर से हवा आ रही थी थोड़ी देर पहले क्लास में ना, बहुत जोर से बारिश भी आ गई और अभी चलते हैं। तो मैं आया हूँ इधर पवई लेक में, तो यहाँ पे देखो लेक में क्या पानी हो गया, मस्त पूरा भर गया है लेक पानी से। ब्यूटीफुल व्यू है, इवनिंग सनसेट भी, अभी सनसेट दिख रहा नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्लाउड है, मस्त लग रहा है मस्त। और यहाँ पे कितना बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है देखो, पूरा ट्रैफिक में अटक गया मैं अभी। रोज शाम को ऐसे ही रहता ट्रैफिक इधर क्योंकि ऑफिस आज छूट गया है। तो अभी मैं सेफ्टी के लिए एक रेनकोट पहन रहा हूँ, मैंने पैंट पहन लिया था सिग्नल पे ही। ये देखिए पूरा काला काला हो गया, बारिश कभी भी आ सकती है और मेरे को थोड़ा दूर जाना है, रेनकोट पहनता हूँ। बर्ड्स देखिए ऊपर, और क्या ब्यूटीफुल व्यू है, सुपर क्या व्यू है। मुंबई में बहुत मस्त लग रहा है, मुंबई का वेदर क्या सुपर लग रहा है, क्या क्लाउड्स, काले काले बादल, ब्यूटीफुल, क्या ग्रीनरी है, ये एरिया फुल ग्रीनरी है और बारिश पे मजे आए, ये सुपर क्या मस्त लग रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा ड्रिजल हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा मैं साइड पे खड़ा रह के कैमरा को अभी अंदर डाल देता हूँ, बहुत जोर से बारिश आ रहा है अभी। तो जस्ट घर पे पहुंचा हूँ और मम्मी जा रही है नीचे राउंड मारने के लिए। आज का दिन खत्म हो गया, अभी इसको अच्छे से बंद कर देता हूँ, पैकअप कर देता हूँ। मम्मी नीचे जाके आ गई है, मजे करके राउंड मार के आ गई है और इसने पपाया भी काट दिया, अभी मैं पपाया खाऊंगा। सुबह तो ऑफिस में उसको कितना टाइम जाएगा पता नहीं। कल रात को मैं वीडियो एंड करने भूल गया, जस्ट उठ गया हूँ और मेरे को याद आया कि मैं वीडियो एंड करना भूल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना गाइस, बाय।